I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Principal Saab, Principal Saab, मैं स्टेज पे जाके कुछ कहना चाहती हूँ। क्या मुझे इजाजत मिलेगी प्लीज? ठीक है, जा सकती हो। प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज लेट अस स्पीक यार, साइलेंस, बात तो करने दीजिए उसे, प्लीज कीप क्वाइट। अभी अभी जो आपने नाटक देखा उसमें जो प्रिया थी वो मैं ही हूं। नाटक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह लिखा गया है, सबने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, लेकिन उसके अंदर की समस्या को एक गलत नजरिए से देखा गया है, इसलिए मैं इस नाटक से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ए, तू कौन होती बोलने वाली बीच में? ए, चुप! और खास तौर पे इसके अंत से, अंत में वो लड़की आत्महत्या कर लेती है क्योंकि उसको लगता है उसने भयानक पाप किया है, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया, मैंने भी कोई पाप नहीं किया, मैंने प्यार किया है, सच्चे दिल से प्यार किया है, लेकिन हाँ मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं अकेली नहीं हूं, इसमें कोई और भी शामिल है मेरे साथ, लेकिन उसने जब जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करती, कहाँ जाती, कौन सा रास्ता अपनाती, वही जो प्रिया ने इस नाटक में अपनाया है। मेरा भी मन किया कि मैं जहर की शीशी उठा के अपनी जान ले लूं, या फांसी का फंदा लगा लूं, या फिर रेल की पटरी पे जाके लेट जाऊं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग चाहे मुझे उल्टा कहें, गंदी गंदी गालियां दें, लेकिन आखिर मैं हूं तो एक माँ ही। अगर मेरी शादी हुई होती, मंत्र और फेरे पड़े जाते तो आप लोग मेरी कितनी इज्जत करते, कितना ध्यान देते मेरा। बेटी ऐसा मत कर, बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। बेटी ऐसा कर, बच्चे को फायदा पहुंचेगा। मां बनना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान, लेकिन सिर्फ फेरे नहीं पड़े तो यही वरदान श्राप बन गया, सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया, और समाज ने मेरे सामने एक ही रास्ता छोड़ा जो मेरी जैसी लड़कियां मजबूरी में अपनाती है, कि मैं अपना बच्चा गिरा दूं, अपने जिस्म से निकाल फेंकूं, जैसा कोई सड़ा हुआ दांत उखाड़ के अपने जिस्म से निकाल देता है, यानी कि एक सड़ी हुई दांत और मेरे बच्चे में कोई फर्क नहीं। क्या ये पाप नहीं है? मैं घंटों सोचती रही, तभी अचानक आवाज सुनाई दी, मां। मैंने चौंक के इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। उसने फिर मुझे पुकारा, माँ मैं तेरे अंदर से बोल रहा हूँ, मेरा जन्म तो हो चुका है माँ, मैं तेरी कोख में हूँ, करवटें बदल रहा हूँ, अभी से इस दुनिया को महसूस कर रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ तेरी आंखों से। बहुत सी बुराइयाँ हैं, बहुत से दुख है,
बहुत सी गंदगी है, लेकिन फिर भी ये दुनिया सुंदर है, जीने लायक है। मैं जीना चाहता हूँ माँ, इस दुनिया में आना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। अगर तूने मेरी हत्या कर दी तो मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। मुझे मत मार माँ, मुझे मत मार, मुझे मत मार, मुझे और तब मैंने फैसला किया कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, ईश्वर के इस वरदान का सम्मान करूंगी, उसे इस दुनिया में लाऊंगी, उसकी हर इच्छा पूरी करूंगी, एक माँ का फर्ज निभाऊंगी। अब आप लोग ही मुझे बताइए, क्या मैं गलत हूं? Thank you. डैड, क्या है बेटा? मैंने कुछ फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूं। वेरी गुड, तुमने जिंदगी में पहली मर्तबा सही फैसला किया है। शी इज अ जेम ऑफ अ गर्ल, प्रिया जैसी लड़की तुम्हें दूसरी नहीं मिलेगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा रोहिणी, शाम को मिलते हैं, गुलशन भाई होंगे ना घर पे? हाँ ठीक है, आराम से बात होगी। ओके बाय। लेकिन माँ शाम तक क्यों माँ? अरे बेटा, इतना उतावला क्यों हो रहा है? आज शाम को तेरी शादी की बात हो जाएगी, और वैसे भी वो तुझे पहले से ही पसंद करते हैं। यूहू। हाँ? नमस्ते आंटी। हाँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज? ठीक है, आ जा।
तुम वहां बैठो, मैं भी आई। अजय तुम यहां? हाँ प्रिया, बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। सोचा भगवान के सामने कह दूं तो ठीक रहेगा। अच्छा, ऐसी क्या बात है? प्रिया, प्रिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्रिया। मैं जानता हूं आप सब मुझे दुत्कारते हैं। मैंने जो किया उसकी माफी मुझे नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज मैं आप सब से माफी मांगने आया हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने इस खानदान की सारी खुशियां छीन ली और आज मैं वो खुशियां लौटाना चाहता हूं। मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूं। प्रिया, तुम चुप क्यों हो? प्रिया क्या बोलूं अजय, तुम सब कुछ जानते हो फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रिया, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ये बच्चा तुम्हारा है और शादी के बाद हमारा हो जाएगा। बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? सच्चे आंसुओं में बहुत ताकत होती है बेटा। तुम्हारा प्रायश्चित हो गया है। हाँ बेटी। देखिए It's okay. Oh. क्या हुआ प्रिया? Oh. प्रिया? Oh. प्रिया? Oh. प्रिया? प्रिया? Oh. प्रिया? भाभी? प्रिया? क्या हुआ प्रिया? अजय, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और घर में सबको इन्फॉर्म कर दो कि सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाए। ओके। हरी अप, जल्दी करो, जल्दी लाओ, संभाल के। प्रिया डोंट वरी। प्रिया प्रिया प्रिया, मैं आ गया हूं। तुम्हारे घर वालों ने मुझे माफ कर दिया है। हाँ बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। बस अब जल्दी से खुशखबरी दे दो। आई लव यू प्रिया, आई लव यू। आज मैं बहुत खुश हूं प्रिया। मेरे कारण तुमने जो कुछ सहा है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं इन सबके सामने वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और एक अच्छा जीवन साथी बनकर दिखाऊंगा। बस सिर्फ एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। माफ तो मैं तुम्हें कर ही चुकी हूं राहुल, वरना यहां तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होती। कंग्रेचुलेशंस राहुल, मुबारक हो प्रिया, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मेरी तरफ से तुम दोनों को शादी की शुभकामनाएं। थैंक यू। शादी? अजय, मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की।
ये क्या कह रही है? नहीं की तो अब कर दो प्रिया। सॉरी राहुल, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये तुम नहीं, तुम्हारा बचपना बोल रहा है बेटी। शायद तुम भूल गई कि तुम्हारी गोद में राहुल की औलाद है। नहीं अंकल, मेरी गोद में मेरी औलाद है। राहुल के लिए तो ये औलाद उसी दिन मर चुकी थी जब इसने मुझे अबॉर्शन करने की सलाह दी थी, लेकिन मैंने उसे जिंदा रखा, जन्म दिया, इसलिए ये मेरी औलाद है, सिर्फ मेरी। प्रिया, वो मेरी भूल थी प्रिया, मैं अब तो मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी राहुल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। तेरे इस फैसले की वजह मैं जान सकती हूँ? मामा, आप ही ने तो कहा था कि पति पत्नी के संबंधों में सिर्फ प्यार ही काफी नहीं, एक दूसरे के लिए इज्जत भी होनी चाहिए। मैं चाहूंगी कि अपने पति के लिए मेरे दिल में वही इज्जत हो जो आपके दिल में पापा के लिए है, लेकिन राहुल वो इज्जत खो चुका है हमेशा के लिए। लेकिन बेटी, अपनी बच्ची के बारे में तो सोच, क्या इसे तू बाप का नाम नहीं देगी? और तू क्या जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? नहीं मामा, मैं शादी करूंगी, लेकिन उस व्यक्ति से जिसकी मैं इज्जत करती हूँ, जिसने हर दुख हर तकलीफ में मेरा साथ दिया, मेरे पेट में किसी और का बच्चा होते हुए मुझे अपनाने का साहस दिखाया, मुझे उस व्यक्ति पे गर्व है। अजय, उस दिन मंदिर में जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, मैंने तो उसी वक्त फैसला कर लिया था, लेकिन अच्छा हुआ कुछ कह नहीं पाई। उस वक्त हाँ करती तो मेरी मजबूरी लगती, लेकिन आज बात अलग है। अजय, क्या तुम अब भी मुझे अपनाने के लिए तैयार हो? हाँ प्रिया, मुझे तुम पे गर्व है प्रिया। रियली, आज मैं बहुत खुश हूं। कंग्रेचुलेशंस अजय, तुम हर लिहाज से मुझसे एक बेहतर इंसान हो। काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। प्रिया, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूं। सदा सुखी रहो। आंटी, अंकल, आपकी मंजूरी और आशीर्वाद चाहिए। बेटे, शाबाश बेटी, झुक झुक जियो। क्यों भाई फूलचंद, तुम तो हमेशा फूल लेकर आते थे, आज बिना फूलों के आ गए। अंकल, आज तो फूल मैं आपसे वसूलूंगा। वो कैसे? ये वाला। इससे अच्छा गुलदस्ता हो सकता है क्या? तो फिर आज से संभालो अपनी प्रिया नंबर टू को। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।